हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल उज्जवल बैकपैकर। तो अभी मैं होटल से निकला हूँ। सुबह के अभी 7 बजा है और यहाँ पे सारा दुकान जो है सब बंद है। अभी आज के दिन मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं है। ये है शिलोंग में मेरा day 3 और आज है यहाँ पे स्ट्राइक, मतलब कोई भी कार यहाँ पे नहीं चलेगा आज। तो देखते हैं, लोकल मार्केट थोड़ा घूमते हैं। अब बाहर तो नहीं जा पाऊँगा घूमने के लिए क्योंकि कार नहीं चलेगा। तो चलो पहले कुछ खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लोकल ब्रेकफास्ट डिश क्या मिलता है। चाय, पूरी, पराठा, ब्रेड ऑमलेट। चलो पूरी खा लेते हैं। एक पीस पूरी 15 रुपये। शायद 9-10 बजे ये सब दुकान खुलेगा, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अभी तो सुबह के टाइम पर सब कुछ बंद है। मॉल के साइड से जो रास्ता आ रहा है वहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो मिल जाएगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। देखते हैं यहाँ से कुछ जुगाड़ मिलता है कि नहीं। आज के लिए कोई बुकिंग होगा क्या? अभी तो बस नहीं होगा, अभी बस नहीं होगा क्योंकि लोग नहीं है। लोग नहीं है। कल के लिए? कल के लिए इस महीना में तो चांस नहीं है। चांस नहीं है। अभी टूरिस्ट कम आ रहा है क्या, इसलिए टूरिस्ट अभी कम है क्या? हाँ, बहुत कम है। अगर आप लोग शेयर में जाना चाहते हो बाय बस तो ये रहा प्राइस 350 और आप लोग ये सब पीस देख पाओगे। इस ट्रिप के लिए लगेगा 500 रुपीज़। मॉलिंग लॉन्ग, डाउकी, लिविंग रूट ब्रिज ये सब देख पाओगे। ये मोसिनम देखने के लिए आप लोगों को लगेगा 500 रुपीज़। नाटियांग देखने के लिए 350 रुपीज़। आप लोग इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर कार रिजर्व करना है तो ये रहा प्राइस। कार के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कार ले रहे हो। इनोवा, स्विफ्ट डिज़ायर, बुलारो, टाटा सुमो कोई भी ले सकते हो। और प्राइस 2300 रुपये से स्टार्टिंग है, 4500 तक है। तो अभी 11 बज चुका है, काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं और शॉप वगैरह भी खुल चुके हैं। तो मैंने गूगल पर सर्च किया कि नियरली कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ पे व्यू पॉइंट है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, देख सकता हूँ। पुलिस बाज़ार से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक लेक है, वर्ड्स लेक नाम है। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि आज तो कहीं पे घूम नहीं पाऊँगा, तो सोचा कि 1.5 किलोमीटर है तो यहाँ से चल के ही जा सकते। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पता नहीं वर्ड्स लेक किस तरफ होगा, किसी से पूछ लेता हूँ। This one, entry कहाँ से? This side. Thank you. Finally मिल चुका है वाटलेक का entry point. तो चलो टिकट काटते हैं, शायद टिकट लगेगा entry के लिए। 1, yes, with camera. टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ और कैमरे के लिए 50 रुपीज़, टोटल 70 रुपीज़। शिलोंग पिक शायद ओपन नहीं है, वो क्लोज है, हाँ, वो 6 महीने से क्लोज है। हाँ, क्लोज एलिफेंट पार्क तो ओपन होगा, हो सकता है, कल मैं देखा हूँ ओपन। हाँ, था उसका टिकट लेके वो अंदर जाए, ऐसे ओपन आना वो। हाँ ओपन है, 100 रुपये का टिकट, वो खुला ही रहेगा। हाँ शायद खुला ही रहेगा, कुछ नहीं देखा अभी, आया क्या करेगा ऐसे ही घर में। तो फाइनली एंट्री मिला वर्ड्स लेक पे। इतना देर से सिर्फ घूम ही रहा था कहाँ पे एंट्री पॉइंट है। ये एक पार्क जैसा है, पार्क के अंदर एक लेक है और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे बोट राइड भी कर सकते हो। लेक के बीच में ये ब्रिज जो बना है ये काफी सुंदर है। तो अभी मैं थोड़ा इस जगह पे बैठा हूँ। हाय ब्रदर। हेलो हेलो, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम असम। यू आर फ्रॉम असम? या। ओके ओके, व्हाट्स योर यूट्यूब
चैनल नेम? उज्जवल बैकपैकर. यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कोलकाता. ओके देन. ओके बाय बाय. ऐसे ही लोग मिल जाते हैं रास्ते पे, आपसे पूछेंगे तो अच्छा लगता है. नए नए लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना. यहाँ पे आप दिन के टाइम पे भी आ सकते हो और शाम के टाइम पे भी आ सकते हो, तो ये जगह आपको अच्छा लगेगा. यहाँ आने के बाद इतना मैं बोल सकता हूँ कि आज का दिन वेस्ट नहीं गया, एक व्यू पॉइंट देखने को मिला है. तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ खाना भी है. मुझे तो अच्छा लगा ये प्लेस, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. पुलिस बाज़ार के नज़दीक ही ये प्लेस, तो आप लोग चल के भी यहाँ पर आ सकते हो. तो ये रहा यहाँ का मार्केट, बहुत कुछ मिलता है, शर्ट पैंट ब्लेजर जैकेट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे. लड़कों से ज्यादा तो लड़कियों का सामान ज्यादा मिलता है. तो अभी रात हो चुकी है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शिलांग में नाइट लाइफ. सुबह से ज़्यादा रात को यहाँ पे लोग निकलते हैं. अभी मुझे तो कुछ नहीं खरीदना है, लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे. कितना है? 10 रुपीस ओनली. क्या बोला आपने? वो क्या काली भैंस की, क्या बोला आपने? काली भैंस की गोरी चाय. अच्छा अच्छा. जो ना पिए वो पछताए. ओके ओके. काली भैंस मतलब भैंस जो होता है वो काला होता है, उसका चाय जो दूध जो देता है वो उजला होता है, उसको बोलता है काली भैंस की गोरी चाय. और ये रहा सब्जी मार्केट जो रात को भी खुला रहता है. और यहाँ पे लोग सरस्वती पूजा भी करता है. जूते काफी सारे मिलते हैं यहाँ पे. ये फिला का शू, ये कितना लगे है? 500. 500 का शू बोल रहे हैं कि 500 का शू है, लेकिन मुझे लगता है 150 में भी दे देगा. तो आप लोग यहाँ पर आते हो तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से खरीद सकते हो. तो यहाँ पे काफ़ी सारा दुकान है, आप लोग चाहो तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो. थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, नहीं तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा मांगता है पहले. भाई यूट्यूबर हो, हाईलाइट कर दो मेरे को. तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही. मुझे पता है आज का वीडियो में उतना कुछ है नहीं, फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को दिखाया. तो मिलते हैं कल, आई गेस आप लोगों को एक अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा. तो गाइज मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं वीडियो बनाता रहूँगा और नया नया प्लेस एक्सप्लोर करता रहूँगा. लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय.